लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की, जिसे डेंगू हुआ है। जांच कमेटी ने आशीष मिश्रा को दोबारा रिमांड पर लिया था, लेकिन लगता नहीं है ये जांच कमेटी का जो जांच वाला हिस्सा है वो अच्छी तरीके से पूरा हो पाएगा, क्योंकि डेंगू की पुष्टि होने के बाद फिर से आशीष को जेल भेज दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्र टेनी का बेटा है, अजय मिश्र टेनी का बेटा है आशीष मिश्रा, जिसे जेल में मच्छर काटने के बाद डेंगू होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन कुल मिलाके जांच कमेटी के पास जो 3 दिन की रिमांड थी, उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो पाएगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आशीष को जेल भेज दिया गया है डेंगू की पुष्टि होने के बाद। और उधर बलिया में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर संजय निषाद का चुनावी मौसम में पत्रकारों के प्रति दर्द छलक गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं और चारों स्तंभ में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के पास तो निधि है, लेकिन जो चौथा स्तंभ है उसके पास उसे सिर्फ सम्मान दिया जाता है। ये भी कहा कि इसके लिए सदन में जाकर आवाज उठाऊंगा, कानून बनाकर सम्मान निधि की व्यवस्था कराने की कोशिश करूंगा। देश का दर्द लिखा, लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं, चारों स्तंभ में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके पास तो निधि है, लेकिन जो चौथा स्तंभ है उसे सम्मान तो दिया जाता है, पत्रकारिता जिसे कहते हैं, मीडिया कहते हैं, तो सम्मान भर से नहीं काम चलेगा ना, परिवार है, उनको चलना है, दौड़ना है। तो जैसे सारी निधि चल रही है, किसान निधि है और निधि है, तो एक देश में एक बजट बने और मैं उसकी आवाज़ उठाऊँगा कि पत्रकार के लिए भी सम्मान निधि मिले उन्हें, और खुल के पत्रकारिता, उन्हें न्याय मिले, सुरक्षा भी मिले। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है काशी विश्वनाथ के दर पर सीएम योगी। विधि विधान से काशी विश्वनाथ की पूजा करते हुए नजर आए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सीएम ने पूजा अर्चना की है। एक दूसरी तस्वीर जो बेहद आम मानी जाती है कि काशी पहुंचकर बाबा के दर पर मत्था टेकने से नहीं चूकते हैं, और ना सिर्फ मत्था टेकना, विधि विधान से पूजा करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तारीखें बदलती हैं लेकिन तस्वीर आम सी दिखाई देती है, क्योंकि जब कभी भी बनारस होते हैं, काशी होते हैं, तो यहाँ बाबा के दर्शन और पूजा पाठ का मौका नहीं चूकते हैं, खासकर सुबह का जो वक्त है, जो उनका अपना शेड्यूल है उसमें पूजा शुमार है, ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन अगर वो बनारस में है, काशी में है, तो वो पूजा अक्सर यहीं होती है।